तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो ये स्प्लेंडर का साइड इंडिकेटर, आप लोग जानते ही होंगे साइड इंडिकेटर स्प्लेंडर बाइक का, जिसके अंदर हम लगाने वाले हैं ये लाइट। ये जो एलईडी लाइट है रेड कलर की है, तो आप चाहे जो कलर की ले सकते हो और लगा सकते हो। तो अभी हम रेड कलर की लगाएंगे। ये है रेड कलर की लाइट जो हमारी एलईडी है, तो इसी को मॉडिफाई करने वाले हैं आज इस ये इंडिकेटर को। तो चलो इसको मॉडिफाई कैसे करना वो आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ ये जो इंडिकेटर है हमारा, इसको मैं जला के आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे जलता है। और उसके बाद जो हमारी एलईडी लाइट है उसको जला के आप लोगों को दिखाऊंगा वो कैसी जलेगी। तो अभी ये इंडिकेटर इस तरीके से जल रहा है यहाँ पे, ये देखो जो कम पावर है। तो अभी हम इसको इसके ये जो एलईडी है इसको जला के दिखाते हैं आप लोगों को, और फिर उसके बाद बताते हैं इसको लगाना कैसे इंडिकेटर के अंदर। मॉडिफाई करेंगे हम आज जो इंडिकेटर, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ये लाइट को भी हम जला लेते हैं, रेड को रेड में लगाते हैं, ब्लैक को ब्लैक में लगा के इसको पहले चेक करवाते हैं, उसके बाद इसको करते हैं इंडिकेटर के अंदर फिटिंग। तो यहाँ पे वायर लग गई अभी, ये देखो इसकी लाइट, देखो पावर इसकी बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही जलेगी पूरा अंधेरा कर देता है, ये देखो तो बहुत तेज लाइट है। तो चलो इसको लगाना कैसे वो आप लोगों को बताते हैं इस इंडिकेटर के अंदर, तो पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर है और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये देखो ये क्या करेंगे पेचकस से इसको हम खोल लेंगे स्क्रू को। तो यहाँ पे हमने पेचकस से स्क्रू खोल लिया, ये स्क्रू आप लोगों को खोल लेना। मैं एक इंडिकेटर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद आप चार जो इंडिकेटर होते हैं इसी तरीके से कर सकते हो। तो अभी हमारा शीशा निकल गया, ऊपर का ग्लास निकल गया, इसका स्क्रू निकाल लेते हैं। उससे पहले ये जो प्लास्टिक ये जो फाइबर है इसको भी निकाल के अलग कर लेते हैं, ये स्क्रू को निकाल के अलग रखते हैं इस तरीके से, इसको निकाल के हम अलग कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे हम थोड़ा सा वायर को बाहर की तरफ खींच लेंगे इस तरीके से, यहाँ से निकाल लेंगे इतना। अब इसको क्या करना आप लोगों को, कटिंग करना हल्की से वायर। उससे पहले ये बल्ब घुमा के निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये बल्ब जो लगा होता है इंडिकेटर का ये निकल गया। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या, यहाँ से कटर लेना है और तार को कटिंग कर देना है इस जगह पे, इस जगह से तार को कट कर देना है। तो यहाँ से हमने तार को कट कर लिया, अभी इसको हम रखते हैं साइड में, इसके बाद इसी में हमको करना है काम। तो कैसे करना है ये, यहाँ से क्या करेंगे वायर पकड़ के बाहर की तरफ खींच के इसका जो पॉइंट है और जो स्प्रिंग है वो दोनों निकाल के इसको अलग कर देंगे, इसको बिल्कुल अलग कर देना है। तो इसको हम निकाल लिए, अब इसके बाद इसका जो होल्डर है वो भी निकालते हैं। ये जो होल्डर है यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको निकालने के लिए, ये वाले होल्डर को निकालने के लिए पीछे से हमको क्या करना है, पेचकस से धक्का देना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से पेचकस फंसा के इसको बाहर की तरफ धक्का देगो तो ये जो हमारा होल्डर है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ कंप्लीट बाहर। तो ये देखो होल्डर निकल गया बाहर, इसी तरीके से आप लोगों को निकाल लेना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा और ये बहुत बढ़िया जलने वाली है लाइट। तो अभी ये जो एलईडी है, ये जो एलईडी है इसका जो ये जो पीछे 3M का पेपर लगा हुआ है इसको निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो डबल टेप है, डबल टेप इसी में चपकाएंगे। उससे पहले ये जो वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वायर को ज्वाइन करके यहाँ से निकाल देंगे बाहर, इस जगह से जहाँ से हमने होल्डर निकाला था, जहाँ से हमारी वायर निकली हुई थी वही जगह से हम वायर को निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो लाइट है, जो हमारी एलईडी लाइट है, और इसको हम यहाँ से वायर कट करते हैं पहले, क्योंकि वायर बड़ी पड़ रही है तो इस जगह से वायर कटिंग करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से हम वायर को काट लेते हैं इस तरीके से, वायर को काट के अलग कर देंगे क्योंकि इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वायर को पूरा काट देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे वायर देख लेना ज्वाइंट ना हो आपस में। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब हमको एलईडी लाइट को इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे रख देना है, पूरा मैच कराने के बाद इसको दबा देना है इस तरीके से, दबाते नीचे की तरफ चले जाना है तो ये जो टेप है टेप नीचे चपक जाएगा। ये देखो इस तरीके से पकड़ लेना है और दोनों सीधा कर लेना बिल्कुल पहले। अब इसके बाद यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ दबा देंगे, ये देखो जो डबल टेप है वो थोड़ी देर के बाद आप लोगों का चपक जाएगा। ये देखो दबा के रखना थोड़ी देर और ये चपक जाएगी लाइट। ये देखो डबल टेप चपक गया है यहाँ पे, ये देखो डबल टेप चपक चुका है हमारा। थोड़ी देर इसी तरीके से पकड़ के रखना, ये देखो लाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, चपक चुकी। तो अभी हमको करना है इसमें, ये देखो निकल भी नहीं रही है, देखो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है डबल टेप। तो यहाँ इसी तरीके से आप लोगों को चपकाने के बाद यहाँ पे वायर हमारी बचता है, तो वायरिंग कैसे करना है वो बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो हमको करना है, अब ये जो इंडिकेटर हमने वायर कट किया था, अभी यहाँ से वायर को छील लेना है और उसके बाद ये दोनों में ज्वाइंट करना है। तो चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये दोनों वायर को छील लिया, अभी इसमें जो आप लोगों को रखना है रेड और ब्लैक ध्यान से रखना है। तो नीली वाली को रेड रखते हैं, यहाँ पे जो नीली सफेद है, यहाँ पे सॉरी व्हाइट और रेड है उसमें नीली लगाएंगे, नीली वायर को इस तरीके से लगा के, इस तरीके से लगा के ज्वाइन करें क्योंकि हमारी ये जो वायर है ये रेड है। तो अभी हम हरी वाली वायर को व्हाइट और ब्लैक में लगा देते हैं इस तरीके से, व्हाइट में ब्लैक में लगा के इसको भी ज्वाइन करते हैं। और इसके बाद इसमें लगाते हैं टेप, टेप लगा देना बहुत जरूरी है टेप, वरना आपकी शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो चलो टेप मार लेते हैं।
तो अभी हमने इसमें टेप मार लिया है, यहाँ से ये यह देखो टेप लगा रहा है, तो यहाँ से टेप हम लगा लेंगे। लगाने के बाद में यहाँ पे टेप लग गया, अभी वायर को पकड़ के खींचेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और होल्डर को पास में लाएंगे लाइट के करीब, इंडिकेटर के करीब इस तरीके से लाके, और यहाँ पे अब हमको सेट कर देना है इसको, यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है, यहाँ पे जैसे हमने निकाला था सेम उसी तरीके से आप सेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, बैठा देंगे, बैठाने के बाद इसका जो ग्लास है ग्लास लगाएंगे, क्योंकि हमारी वायरिंग तो हो ही चुकी है, आप लोग भी समझ गए होगे वायरिंग कैसे करना है। और यहाँ पे ये लग गया, अब इसके बाद ये जो ग्लास है ग्लास को इस वाले पॉइंट में लगा के, इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे ग्लास में ये पॉइंट है ये देखो, तो इसी में लगा के बैठा के इसका स्क्रू लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो चलो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं। तो अब जो हमारा इंडिकेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सारा कुछ लग चुका है, अभी मैं आप लोगों को इसको जला के दिखा देता हूँ कितना बढ़िया जलने वाला है और जो पावरफुल लाइट जलने वाली है। ये जो एलईडी लाइट लगा है बहुत ज़्यादा तेज जलती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको हम इंडिकेटर में फिटिंग कर चुके हैं, अभी हम इसकी वायर को बैटरी में जॉइंट करके आप लोगों को चालू करके दिखाते हैं। तो अभी एक वायर जॉइंट हो गई, दूसरी वायर करते हैं, ये देखो फुल पावर लाइट, ये देखो फुल पावर जल रही है, बहुत तगड़ी लाइट जो हमारी हमने सेटिंग किया है, फिटिंग किया है, बहुत तगड़ी जल रही है। यहाँ पे इंडिकेटर देखो जैसे ही जलेगा पूरा ब्लैक हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा पावर है इसमें ये एलईडी में, तो पूरा ब्लैक हो जाता है जैसे ही जलती। इसी तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक करेगा आप लोगों का, ये देखो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, शॉप पे जाना है, चार लाइट लेना है, 20-20 रुपए की लाइट मिलेगी, आप लोग खुद से घर पे आके फिटिंग कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना, ये देखो बहुत पावरफुल लाइट जल रही, पावर तो बहुत तगड़ी है। चारों इंडिकेटर हम नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक करके दिखा दिया है। तो अभी वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।